नीरज अब आप बताएं कि सरकार इस पर क्या विचार कर रही है। सरकार का सीधा विचार ये है कि एक देश एक कानून, यानी कि यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो उसके लिए समान कानून है। सबसे बड़ा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप चारों बहुत विद्वान मौलाना हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में यूसीसी लागू है तो क्या वहाँ मुसलमान नहीं रह रहे हैं? क्या वो अपना अपने अपने जो धर्म पद्धति है, सर आप यहाँ के जो सारे लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे लोग क्या दुनिया के दूसरे देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं? मुसलमान नहीं है वहाँ पे, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, हिंदू ये बता दो, बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं तो क्या वो हिंदू अपना? अरे सर आप बात वहाँ के उदाहरण क्यों दे रहे हैं सर? वहाँ का उदाहरण नहीं है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सरकार का मत ये है, हाँ जी बैरोदीन आप चिल्ला क्यों, आराम आराम से प्लीज, उसके अनुसार जो जानकारी निकल कर आ रही है, सरकार का मत यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग इस देश में उन सब के लिए एक कानून हो, हर तरह का कानून नहीं है सब के लिए। आप मेरी बात सुनिए, ना तो मुस्लिमों के सुनिए, ना तो मुस्लिमों के धार्मिक सर, देखिए पहले आप पहले कानून आने दीजिए सर, पहले कानून आने दीजिए, अभी तो विचार विमर्श चल ही रहा है, लेकिन सरकार मैं तो सरकार को पहले कानून लाने दीजिए, ना तो हिंदुओं के धर्म की डिबेट आप लोगों के खौफ के वजह से हो रहा है। ये देश अच्छा आप लोगों को ये समझना होगा, नहीं यहाँ ऑडियंस भी है, सुनिए मेरी बात, आप लोग जो कहेंगे ना वो ये लोग सुन रहे हैं, सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ, एक मिनट शालिनी मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद शालिनी एक सेकंड, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन देखिए केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के इंटरव्यू से पहले एक मिनट शबनम शांत रहिए, सबसे पहले बेटी का हक, शांत रहिए आप भी प्लीज, मैं आप लोगों के पास आती हूँ, एक मिनट आप रुकिए जरा यहाँ पर, क्योंकि बहस बहुत जरूरी है, तो प्लीज इसे गंभीरता के साथ करेंगे तो बेहतर होगा। केरल के गवर्नर की मैं बात कर रही थी, आरिफ मोहम्मद खान, जिनके इंटरव्यू से पहले यूसीसी को लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी से भी बात की थी। उन्होंने यूसीसी पर बात करते हुए चार शादियों पर जो तर्क दिया था उस पर आरिफ मोहम्मद कैसे बेफर पड़े, आपको जरूर सुनना चाहिए। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है, अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सबको तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। आप एक दरवाजे को बंद करके कोई खैर का पहलू नहीं उसके अंदर रखते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लाख में से 2-4 आदमियों की ज़रूरतों को आप दरवाजे को बंद कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बताइए कि अगर मर्द को ज़रूरत है दूसरी शादी की तो वो क्या करे, औलाद नहीं होती इस बीवी से, अब बताइए क्या करे? ये तो वो बात कहना है कि जिसका मतलब इंसान को इंसान न रहकर जानवर बना देना। हाँ ये सही है कि कुरान में इजाजत दी गई है बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में, जब एक तिहाई पुरुष आबादी खत्म हो गई थी ओहद की लड़ाई के मौके पर, उस वक्त इजाजत दी गई शर्त लगा के कि तुम एक से ज्यादा शादी तभी कर सकते हो जब उनके बीच इंसाफ कर सको, और फिर आगे बढ़ के आयत में कह दिया कि ये बात किसी भी इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो दो बीवियों के बीच में इंसाफ कर सके। पर जो कंडीशनल परमिशन थी उसको तो इन्होंने कानून बना लिया, और जहां पे कुरान कह रहा है शादी उससे करो जिसकी पहले शादी, जो शादीशुदा ना हो पहले से, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अरशद मदनी और आपने आरिफ खान का भी ये पूरा तर्क सुना, इन तर्कों पर आगे हम बात करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।